ये सब दोस्त लोग हम लोगों का यहाँ पे सब इंतजार कर रहा है। ये देखिए चर्च है, चंदन नगर का चर्च। हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। तो आज मैं दोस्त लोगों का साथ आया हूँ चंदन नगर स्टैंड में। तो एक बहुत फ्रेंड सिटी बोला जाता है इसको, चंदन नगर को। तो अभी आप लोगों को सब दिखाएंगे। ये देखिए, पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ चर्च, चंदन नगर स्टैंड के पास जो चर्च है। तो ये चर्च दिखा देता हूँ पहले आप लोगों को। ये देखिए चर्च है, चंदन नगर का चर्च। तो ये गेट है चर्च का, अंदर घुस रहा हूँ। बहुत ही सुंदर है। जा रहा हूँ दोस्त लोगों से मिलने, तो पहले चला गया तो मैं अभी जा रहा हूँ। ये सारा खाने का दुकान है स्टैंड में, चाइनीज, इंडियन, साउथ इंडियन सब कुछ मिलता है। और हर टाइम भीड़ लगा रहता है यहाँ पे, सुबह से खुलता है ये, शाम तक चलते रहता है ये ऐसे ही। तो इस साइड में भी दुकान है सब। तो यहाँ से कई बार खाने भी खा चुका हूँ, बहुत अच्छा है, टेस्टी है। फुलगप्पा का दुकान पूरा एकदम लगा है यहाँ पे, सब लोग खा रहा है। सब दोस्त लोगों से मिलेंगे। बहुत अच्छा लगता है आने में, शाम का टाइम में टाइम पास हो जाता है, समय बीत जाता है यहाँ पे। ये सब दोस्त लोग हम लोगों का यहाँ पे सब इंतजार कर रहा है। तो हेलो, हाय, हाय। तो इसका बदमाशी था, ये स्टैंड छोड़ के आ गया था, इसका भरोसे में देखे आए थे, तो गाड़ी में छोड़ के आ गया था। अमित दा पूर्णा वो अंजन आज इन लोग आया है था, बहुत गर्मी आज इन लोग आए थे चंदन नगर। तो कुछ केस में इन्वाइट किया था, आने के लिए बोला था। तो इन लोग आए थे, तो इन लोगों को लेके हम लोगों के घर में खाना पीना सब करवा दिया। तो आप लोगों को दिखाया नहीं, मिस हो गया। अभी आया है घूमने के लिए चंदन नगर स्टैंड। चलिए अभी दिखाते हैं आप लोगों को सारा जगह, स्टैंड कैसा है। ये देखिए यहाँ तक पूरा भीड़ लगा रहता है यहाँ पे। हाँ, तो आप लोगों को डिटेल्स में ब्लॉग बनाएंगे, तभी आप लोगों को सब कुछ बता देंगे। लेकिन आज थोड़ा सा ऐसे ही ब्लॉग बना रहा हूँ दोस्त लोगों के साथ, बाद में डिटेल्स में आप लोगों को दिखा देंगे। प्यार है इसमें, इसमें बैठे रहते हैं सब इन लोग। तो अभी जा रहे हैं यहाँ पे सेल्फी वेल्फी फ़ोटो वोटो खींचने का बहुत अच्छा जगह है, देखिए। दो लफ्ज़ों की है ये, देखिए ये सब घाट है। यहाँ सीढ़ी से यहाँ से उतर के इन लोग सब बैठा रहता है यहाँ पे, आराम से बातें करता है। शाम तक लाइट उट सब कुछ है यहाँ पे, देखिए। तो शाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, सब कोई है यहाँ पे भी लाइट है। तो यहाँ पे बिंदास सब बातें करते रहते हैं। ये देखिए गंगा बहरा यहाँ पे जंगल। हाँ, ये देखिए गंगा पूरा। ये देखिए एक आदमी क्या कर रहा नीचे, ये देखिए गंगा में उतर के क्या नहा रहा है, कुछ कर रहा है, डुबकी दे रहा है। ये देखिए गंगा,
माँ गंगा, उधर जंगल है देखिए। दारुण, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है खड़े होने में, आराम से एकदम खड़े रहो, मस्त गंगा का हवा लेते रहो और बातें करते रहो, अड्डा मारते रहो, बहुत मस्त जगह है। अभी हम लोग सब एक साथ है, सब दोस्त लोग सब एक साथ है। ये देखिए दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दो आदमी पानी में डुबकी दे रहा है, गर्म में पानी में खड़ा है। अभी जो गर्मी है तो सब कोई पानी में डुबके दे रहा है, अगल बगल जिसका घर है पास पास आसपास तो सब यहाँ पे नहा रहा है, शाम को जाके चेंज कर लेंगे कपड़ा वपड़ा, सुविधा है। हम लोग दूर से आए हैं, चंदनगर से आए हैं, लेकिन थोड़ा दूर है, लेकिन हम लोग ऐसा कर नहीं सकते कि इच्छा कर रहा है, मन कर रहा है गर्म में, लेकिन कोई उपाय नहीं है। तुम्हारा किचू बोलो, चंदनगर नहीं आसलम, कुछ तो बोलो, आप लोग कुछ बताओ। नहीं नहीं, कैसा लग रहा है बताओ, आने के बाद क्या मन लगते? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना, अच्छा है सीनरी, अच्छा है। पहले सुना फिल्म, कोई फिल्म बनाने का इच्छा है यहाँ पे आपका दादा? आके उस साइड में जो दादा डायरेक्टर है बात कर रहा है, हाँ बोलिए। घना जंगल जो है उस साइड में, जंगल जो है किस साइड में? मंदिर यहाँ पे है और इस साइड में पुराना हवेली बिल्डिंग सारे है। अच्छा, हवेली बिल्डिंग सारे है, इसमें भी फिल्म बन सकता है। तो दादा का कॉन्सेप्ट दे रहा है, दादा डायरेक्टर है, तो दादा का कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, क्या होना चाहिए क्या नहीं चाहिए, यहाँ पे शूटिंग होगा तो कैसे होगा, क्या लाइन भी है, ये भी एक्टर है। आप बताओ थोड़ा कुछ, चंदन नगर लेके लेके आया इतना मेहनत से आप लोगों को, पसीने से 2011 में मैं एक बार आया था। अच्छा, जगदत्री पूजा में। अच्छा, तब भी जो ऐतिह्य था इस महल का, तो अभी भी वो बरकरार है। अच्छा अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है आने में, अच्छा ठीक है। अंजन कुछ बताओ भाई, ओपिनियन दो चंदन नगर स्टैंड में। ये पहली टाइम मैं आया हूँ यहाँ पर। फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो कैसा लग रहा है माहौल, कैसा लग रहा है? अच्छा है ना माहौल, अच्छा ठीक है। ये सब कोई पहली बार आ रहा है यहाँ पे, ये तो पहले आ चुका है, लेकिन अमिता और अंजन मतलब पहला बार आ रहा है यहाँ पे, हाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है बोल रहे हैं इन लोगों को। तो मैं तो आते ही रहता हूँ यहाँ पे, तो ऐसा बात नहीं है, नया नहीं है मेरे लिए, लेकिन ब्लॉग आप लोगों के लिए अच्छे से बाद में बनाऊंगा डिटेल्स में, अभी दोस्त लोग के साथ आया हूं इसलिए ज़्यादा कुछ डिटेल्स हमको जानकारी अभी विकिपीडिया खोला नहीं, देखा नहीं हूं, जितना जानकारी आप लोगों को दिखा देता हूं, तो बाद में आएंगे तो डिटेल्स ब्लॉग आप लोगों को बनाएंगे और बना कर देंगे। अभी थोड़ा दोस्त लोगों के साथ एन्जॉयमेंट हो रहा है, यही हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं, तो वो भी आप लोगों को देंगे, दिखा देंगे कैसा लग रहा है। देखिए ये व्हाइट शर्ट आ रहा है, ये फिट्टी मेरा ट्रेडमार्क हो गया, आप लोग कुछ माइंड मत कीजिए। जब भी मैं ब्लॉग बनाता हूँ मैक्सिमम ब्लॉग मेरा व्हाइट शर्ट और इसमें रहता है, जब तक गर्म नहीं मिटेगा तब तक मेरा ये लगा रहेगा, पसीना के लिए बहुत पसीना छूटता है मेरा, तो आप लोग माइंड मत कीजिए ना। अभी मुच्छर भी लग गया है, डाकू डाकू शर्ट लग रहा है, पता नहीं कैसा लग रहा है, शौक हुआ कि घंट तक रखने के लिए तो रख लिया, कैसे लग रहा पता नहीं, बाद में देखा जाएगा, उतर देंगे इसको कभी मूड हुआ तो। अच्छा, बहुत ही सुंदर हवा दे रहा है यहाँ पे, बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ सब। ये देखिए ये सब कोई सेल्फी ले रहा है, सेल्फी ले लिया। ये देखिए मेरा दोस्त रील बना रहा है, ये देखिए रील्स बना रहा है, ये देखिए पोज देके खड़ा है। ये सामने पार्क है, हम लोग सभी जा रहे हैं पार्क में, थोड़ा बैठेंगे थोड़ा मस्ती करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे जितना हो सके शेयर करेंगे, तो चलिए चलते पार्क में। नीचे पार्क है यहाँ पे, ये देखिए सब जा रहा है।
कभी कभी यहाँ पे आते हैं, तो आके यहाँ बैठते हैं, आराम से हवा हवा खाते हैं, बात करते हैं, जगह लेके बैठते हैं। ये देखिए बैठने का सब जगह है। ये है म्यूजियम, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल है। ये रविंद्रनाथ टैगोर का पतल घर है, लेकिन अभी फिलहाल बंद कर दिया गया, ये अलाउ नहीं है अभी। ये रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे आते थे, ये ऐसे ही दिखा पाऊँगा आप लोगों को क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है। बस आज के लिए इतना ही, बहुत छोटा सा ब्लॉग है दोस्त लोग को लेके चंदन नगर स्टैंड में, तो आप लोगों को बाद में फिर डिटेल्स में दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मेरा दोस्त रील बना रहा है, देखिए रेडी हो रहा है, और यहाँ पे मेरा डायरेक्टर दादा इसके इंस्ट्रक्शन दे रहा है।